नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित, नौकरी जोन में आपका मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं वितन भाग टू का टेस्ट सीरीज। इसमें वितन भाग टू में जितने भी चार जो चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर का मैं टेस्ट सीरीज लाया हूं। इसमें मैं आपको सभी का क्वेश्चन विथ एमसी जो भी है एमसीक्यू के साथ आपको मैं दिखाऊंगा। आपको अपने आप को टेस्ट देना है कि आपका तैयारी कैसा है, किस प्रकार है, आपके कितने में से कितने सही आ रहे हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और मुझे उम्मीद है यह भी दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से एक पेन पेपर लीजिए और आप बैठ जाइए। आपको ए बी सी डी करके आपका सही आंसर आपको देना है। मैं चारों चैप्टर का आपका एमसीक्यू इसमें पोस्ट किया कर दिया हूँ, तो आप देखते रहिए। और मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। तो इसी तरह के दोस्तों और भी वीडियोस हमारे चैनल में पोस्ट किए गए हैं। दोस्तों आरव भाग टू का अब 4 से 5 ही चैप्टर बचा हुआ है, वो भी उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चिंता ना करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ये वाला जो वीडियो है, ये जो आपका चैप्टर मनोहर श्याम जोशी वाला है, देखिए तो आपका, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो है आपका है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी के लिए सही कथन का चुनाव करें। देखिए इसमें बहुत सारा कथन दिया है, आप अपना जो है सही कथन का इसमें देख लीजिए और आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए ए बी, उसके बाद आपका सी है, उसके बाद आपका डी है और फिर उसके बाद लास्ट में ई है। आप देख लीजिए अपना आंसर, मार्क कर लीजिए। अगला है आपका, ये सारा बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या क्या है आपका। कहानी सिल्वर वेडिंग में के प्रमुख पात्र के रूप में वाई डी पंत के चरित्र के बारे में चित्रण किया गया है, उनका पूरा नाम पूछा गया है। आप इन चारों में से सिलेक्ट करके बता देख लीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। अगला है आपका, तीसरा वाला देख लीजिए। यह है आपका, निम्नलिखित में से यशोधर पंत के बारे में सही कथन का चुनाव करने, यशोधर पंत के बारे में आपका सही कथन का चुनाव करना है। देख लीजिए ऑप्शन इसमें ए है आपका, बी है, सी है, डी है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, चौथा वाला देख लीजिए। इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें निम्नलिखित में से यशोधर पंत साहब ने किशन दाह के घर में पनाह ली थी, इनमें से किशन दाह का घर किस जगह पे था। आपके देखिए यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है और इसका क्या होगा आंसर, आप मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कहानी में सिल्वर वेडिंग के शुभ अवसर पर यशोधर बाबू के घर में केक काटा जा रहा था, इनमें से क्या कारण था कि यशोधर बाबू ने सिल्वर वेडिंग के अवसर पर केक खाने से इनकार कर दिया। देखिए इसका क्या कारण था ऐसा। आपका देखिए ए आपका है, बी है, सी है, डी है। आपके देखिए उन्हें किस लिए उन्होंने छोड़ दिया था केक खाना। ठीक है दोस्तों, अपने आप मुझे उम्मीद है आपको मार्क कर लिया होगा। अगला आपका, कि कहानी में किशन दा के बारे में बहुत बार जिक्र किया गया, उनके बारे में सही कथन का चुनाव करें। अब किशन दा के बारे में सही कथन का चुनाव करना, देखिए ऑप्शन ए है आपका, बी है, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन डी है। देख लीजिए आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना राइट आंसर जो है मार्क कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, देखिए यशोधर बाबू सुबह सुबह प्रत्येक दिन साग सब्जी लेने के लिए कहाँ जाते थे। यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस है, आंसर दीजिए। अगला है आपका, यशोधर पंत साहब दिल्ली में किस जगह पर रहते थे, बताइए, कहानी में दिया हुआ है। दोस्तों ये मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, ये एक टेस्ट सीरीज है, इसका सभी का आंसर जो है अलग अलग पार्ट्स में मैं अपने चैनल नौकरी जोन में पोस्ट किया हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं। अगला है आपका, कि कहानी सिल्वर वेडिंग में यशोधर पंत जी के कितने बच्चे रहते हैं। देख लीजिए इसमें ऑप्शन है आपका 4, ए बी सी डी करके अपना आंसर आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि आपका, कहानी में यशोधर बाबू साहब सन्याल बूढ़ी बुढ़िया आपका चटाई का लहंगा बूढ़े मुँह मुहासे लोग करे तमाशे जैसी पंक्तियों का प्रयोग आपका इनके बारे में कहकर हमें, किनके बारे में कहकर हमका हमेशा वो मजाक उड़ाते थे। आपके देखिए यहाँ ऑप्शन है ए बी सी डी करके, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए यदि आप नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका,
अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर बाबू साहब अल्मेड़ा किसके पास रहने आए थे? ऑप्शंस देख लीजिए अपना दोस्तों, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी के बारे में सही कथन का आपको चुनाव करना है। देख लीजिए आपका ऑप्शंस ए क्या है, पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों ऑप्शंस बी क्या है, ठीक है। अगला ऑप्शन सी देख लीजिए, ऑप्शंस डी देख लीजिए और ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, श्रीमान मनोहर श्याम जोशी जी सिल्वर वेडिंग के लेखक हैं, उनको उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देख लीजिए आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पांच ऑप्शंस हैं दोस्तों, अपना जो है राइट आंसर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका, श्रीमान मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक जो है हम लोग हैं उसकी पटकथा इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, या किस वर्ष भारतीय दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था? देख लीजिए आपके यहाँ चार ऑप्शंस हैं, अपने आंसर आप मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका, यदि आप मनोहर श्याम जोशी जी के जीवन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो आप हमें बताइए कि उसकी मृत्यु किस वर्ष दिल्ली में हुई थी? आपके यहाँ देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला आपका, प्रस्तुत कहानी में सिल्वर वेडिंग जो है आपका कितने वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है? सिल्वर वेडिंग आपका यह क्वेश्चन है, अपने आंसर मार्क कर लीजिए। अगला आपका, हमेशा यशोधर बाबू के बच्चे उन्हें क्या खरीदने के लिए कहते थे? देख लीजिए चार ऑप्शंस में से क्या होगा राइट आंसर। अगला है, यशोधर बाबू हमेशा ऑफिस किससे जाते थे और बच्चे को उनके बच्चे को बुरा लगता था? किस चीज़ पे वे जाते थे बैठ के कि उनके बच्चे को बुरा लगता था? नेक्स्ट है, यशोधर बाबू को गीता महिमा सुनने के दौरान किसकी अचानक से याद आ गई? देख लीजिए अपना जो भी आंसर होगा मार्क कर लीजिए। अगला, यशोधर पंत साहब के शादी के 25 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर सिल्वर वेडिंग मनाया जा रहा था, उस दिन यशोधर बाबू कितने बजे अपने घर पहुंचे थे? वो दिन जिस दिन उनका सिल्वर वेडिंग था, वो जो है वो कितनी देर मतलब कितना बजे घर पहुंचे थे, ठीक है। अगला है, कहानी के अनुसार भूषण जो है वह यशोधर बाबू का से क्या रिश्ता था? ऑप्शन देख लीजिए, सोचिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समय चाहिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगला है आपका, यशोधर बाबू दफ्तर लौटने के क्रम में प्रत्येक दिन कहाँ जाया करते थे? ऑप्शंस देख लीजिए आपके चार ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है आपका, यशोधर पंत जी ने अपने दफ्तर के साथियों को ना चाहते हुए भी सिल्वर वेडिंग के शुभ अवसर पर पार्टी के नाम पर कितने रुपये दिए थे? देख लीजिए आंसर अपना। अगला है, यशोधर पंत साहब जब पहली बार दिल्ली आए थे उस समय के श्रीमान किशन दा ने उन्हें कौन सा कार्य दिलवाया था? किशन जब वो पहली बार दिल्ली आए थे आपका, तो वो किशन दा ने उनको कौन सा कार्य दिया था सबसे पहले? ऑप्शन से देख लीजिए आंसर मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, कहानी में 25 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर सिल्वर वेडिंग मनाया जा रहा था, तो बताइए कि यशोधर होगा यहाँ पर, यशोधर पंत जी की शादी कब हुई थी? आपका शादी का जो डेट बताना है, यहाँ चार ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, कहानी में जो आपका यशोधर पंत ने यह किसने कहा यशोधर पंत साहब से कि मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी का 25 साल पूरा हो गया, पार्टी तो बनता है। देख लीजिए आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है चार है। नेक्स्ट है आपका, कहानी सिल्वर वेडिंग में यह कथन किसका है? गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। यहाँ देखिए आपका चार ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित कहानी में से वानप्रस्थ का क्या अर्थ है? वानप्रस्थ का अर्थ है आपका जीवन का तृतीय आश्रम के लिए आपका यशोधर बाबू को कहाँ जाने के इरादा था, यानी आपका वानप्रस्थ के लिए कहाँ जाने के इरादा था आपका यशोधर बाबू जी का? तो आपके यहाँ चार ऑप्शन है,
अगला आपका कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार आपको यशोधर पंत जी के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। देख लीजिए, ए आपका ऑप्शन सही है, बी है देख लीजिए, सी है। डी है, ई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कहानी सिल्वर वेडिंग में श्री चंद्रदत्त तिवारी जो थे वो यशोधर बाबू साहब के क्या लगते थे। ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपका, चार है, भांजा बेटा जीजा दोस्त जो भी है, अब मार्क कर लीजिए आंसर। अगला आपका कहानी सिल्वर वेडिंग में आपका सिल्वर वेडिंग के शुभ अवसर पर यशोधर बाबू के बेटे ने उन्हें क्या गिफ्ट दिया था। देख लीजिए आपका चार ऑप्शन है। ठीक है, अगला आपका कहानी सिल्वर वेडिंग में गिरीश जो कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा था, यशोधर बाबू की पत्नी से उनका क्या रिश्ता था। देख लीजिए आपका ऑप्शन चार है, राइट आंसर मार्क कर लीजिए। अगला, यशोधर बाबू को क्या करना बचकानी बात तथा बेकार की बात लगती थी। देख लीजिए चार ऑप्शन है, ए बी सी डी करके आंसर मार्क कीजिए अपना। अगला, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से मनाई जाने लगी, यह कथन किनका था। चुनिए आप आंसर अपना। अगला है, यशोधर पंत साहब ने मैट्रिक की परीक्षा किस विद्यालय से पास की थी। संत जेवियर दिल्ली, रमजे स्कूल अड़मेला, बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, एसएस कॉलेज चास। अगला है, निम्नलिखित में से आपका चुने क्या यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होता था, मतलब कौन सा ऐसा चीज है। देख लीजिए आपका यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका चैप्टर मैं बता रहा हूँ क्या है, ये आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद। ये आपका निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें, समहाव इम्प्रॉपर अनन्य की स्थिति को दिखाता है आपका। देख लीजिए, ए है आपका, फिर बी है, फिर आपका सी है, फिर आपका डी है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। दोस्तों अगला है, अति दबे पांव ओम थानवी जी द्वारा रचित जो है आपका वेतन भाग टू से लिया गया है। चलिए देखते हैं इसका कुछ एमसीक्यू। पहला है आपका, श्री ओम थानवी जी द्वारा रचित अति दबे पांव के लिए सही कथन का आपका चुनाव करना है। आपके देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है, ए ऑप्शंस देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी है, डी है, आपका ई भी है। सारे ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अति दबे पांव के लेखक ओम थानवी जी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। चुन लीजिए, चार ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अति दबे पांव के अनुसार पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो का संबंध किस सभ्यता से है, ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महाकुंड के लिए सही कथन का चुनाव करना है। अगला है आपका, अति दबे पांव कहानी के अनुसार मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था। देख लीजिए, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में स्थित कथनों सही कथनों का चुनाव करना है आपका, कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या स्थित है, क्या क्या नहीं है, यहाँ पर कथन दिया है आपको चुनना है। ऑप्शन देख लीजिए। अगला है, मोहनजोदड़ो में कुएं निर्मित करने के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है देख लीजिए चार गो। अगला आपका, पुराने इतिहासकारों के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या कितनी थी। चार ऑप्शन है, नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा समय चाहिए दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से खुदाई में प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए।
अगला है, रंगाई के बर्तनों को रखने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर मार्क कर लीजिए। अगला है, मोहनजोदड़ो के गलियों और नगरों में घूमते हुए लेखक को किस राज्य की याद आती है? ऑप्शंस देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, लेखक ओम थानवी जी ने अति दबे पांव कथा में मोहनजोदड़ो के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, यहाँ पर तीन हैं ए बी सी और एक लास्ट में है। अगला है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ओम थानवी जी को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, ऑप्शन सी है और डी है। यहाँ पर चार ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से ओम थानवी जी को किस पत्रिका से विशेष प्रसिद्धि मिली थी? कौन सा ऐसा पत्रिका था? ऑप्शन चार है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से आपका मोहनजोदड़ो के लिए सही कथन का आपका चुनाव करना है कि कौन सा कथन आपका सही है? ऑप्शन से देखिए, बी है, सी है, डी है और ई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, मोहनजोदड़ो की खुदाई निम्नलिखित में से किनके निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया था? चार ऑप्शन में से देख लीजिए, आंसर मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा गया है अति दबे पांव कहानी में? अगला है, मोहनजोदड़ो में पानी जाने के लिए नालियाँ किससे निर्मित थी? चार ऑप्शंस हैं। अगला है, लेखक श्री ओम थानवी जी के अनुसार मोहनजोदड़ो में अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? दो ऑप्शंस यहाँ है, दो ऑप्शंस देख लीजिए, टोटल चार ऑप्शंस ये रहा। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह किस प्रकार की सभ्यता थी? मोहनजोदड़ो की खोज इनके द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया, किनके द्वारा? देखिए ऑप्शंस ए है, बी है, सी है और डी है। देख लीजिए चार ऑप्शंस। अगला है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के लिए सही कथन का चुनाव करना है। ए देख लीजिए, बी है, सी है, डी है, ई है। अगला देखते हैं, ओम थानवी जी द्वारा रचित दबे पांव में अजायाबा घरों का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट है आपका, कहानी अति दबे पांव में मौसम फोटोमिया यानी सॉरी ये नहीं होगा, मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता का केंद्र का जिक्र किया गया, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है आपका मेसोपोटामिया? ऑप्शंस ए बी सी और डी देख लीजिए। अगला है आपका, जब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो में खुदाई हो रहा था उस दौरान रंगाई का छोटा सा कारखाना किन्हें मिला था, मतलब किसने खोजा था? अगला आपका, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो किस काल से संबंधित है? चार ऑप्शंस, क्या कारण है कि हड़प्पा के ज्यादातर जो सच है वह नष्ट हो गए हैं? इसमें आपको कारण बताना है नष्ट होने का। मोहनजोदड़ो का सर कितना क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल बताना है मोहनजोदड़ो सर का? देखिए ए बी सी और यहाँ डी है। अगला आपका, अति दबे पांव कहानी के अनुसार ओम थानवी ने राजस्थान की धूप को किसके जैसा बताया है? देख लीजिए, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के लिए अपने विवेक से सही कथन का चुनाव कीजिए। ए है देख लीजिए, बी है, सी है और डी है। यहाँ पर सी होगा। अगला है, पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार मोहनजोदड़ो शहर की लगभग आबादी कितनी थी? आबादी पूछा है आपको मोहनजोदड़ो शहर का, देख लीजिए। अगला, अति दबे पांव लेखक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियों को क्या नाम दिया गया था?
अगला है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है आपका मोहनजोदड़ो में, देख लीजिए। ए है, बी है, ठीक है, तो देख लिए दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर। अगला आपका डायरी के पन्ने, जो आपका एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चंस। पहला आपका डायरी के पन्ने, जो आपका है एन फ्रैंक की डायरी के आंसर और उनके संबंधित कथनों का आपको चुनना है। देख लीजिए आपका जो आंसर है क्या होगा। ए है, बी है, सी है, डी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है गलत कथन को चुनना है इसमें सेकंड क्वेश्चन में, कि कोई क्वेश्चन आपका जो कोई भी आंसर जो ऑप्शंस दिया में है ये आपका गलत है, कोई एक उसमें आपको चुनना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एन फ्रैंक की किस प्रकार की पीड़ा को समझती थी। ए बी सी और आपका डी, देखिए नीचे है, ये ए बी और सी है और ये डी है। अगला निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है, चार ऑप्शन है। अगला निम्नलिखित में से एन फ्रैंक ने अज्ञातवास जाने से पहले अपने थैले में क्या रखा था, ए बी सी या डी है। अगला निम्नलिखित में से एन फ्रैंक की पोशाक की तुलना में अत्यधिक क्या मायने रखती थी, एन फ्रैंक के अनुसार क्या होगा। अगला है बाबा आदम जमाने के अनुशासन मास्टर नाम से किससे संबोधित किया गया है, कहानी आपका जो है डायरी के पन्ने में, ए बी और डी यहाँ। अगला है कहानी में डेम चौक पर अखबार बेचने वाले क्या चिल्ला रहे थे, चार ऑप्शन से सिलेक्ट कीजिए। अगला है निम्नलिखित में से डायरी के पन्ने के लिए कौन सा कथन सत्य, आपको सही कथन सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी ई क्या आंसर होगा। अगला है कहानी के अनुसार डच लोगों में क्या पहनने का रिवाज या चलन था, कहानी में मुत्सर्जे कौन थी, कहानी के अनुसार सोने से पहले एन फ्रैंक क्या क्या करती थी, राशन कार्ड न होने पर एक कार्ड के लिए कितने गिल्डर आपका देने पड़ते थे। यहाँ ये नहीं होगा, बिल्डर नहीं होगा, गिल्डर होगा, 70, 40, 90 या 60 ऑप्शन देख लीजिए। अगला निम्नलिखित में से कहानी के अनुसार गलत कथन का चुनना है, ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी है, फिर डी है। अगला है मिस्टर डसेल के साथ कमरा शेयर करने का सुख किसको मिला, ऑप्शंस देख लीजिए। दोस्तों ये आंसर चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वितन भाग टू का सारा वीडियो पोस्ट किया गया है। आरव भाग टू के आपके 4 या 5 ही चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी सारा पोस्ट कर दिया गया है, हम देख सकते हैं यदि नहीं देखे हैं तो। अगला है कहानी के अनुसार एन फ्रैंक के विचारों से कौन सा वरदान है जिसमें कोई सानी नहीं है, अगला है देख लीजिए, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला, किसका कथन है बताना है आपको। नदियों के दस्तावेजों में 5 करोड़ पन्ने से एन फ्रैंक का नाम कितनी बार आया है, कैसे त्यौहार अपना दी थी एन फ्रैंक पुरुषी जाति के लिए। एन फ्रैंक के बारे में गलत कथन का चुनाव करना आपको। जहां पर आग होगी धुआं वहीं पे होगा, कहानी में कौन बोला था, ये किसके लिए यूज किया गया है, ये वाला मुहावरा। अगला है आसमान बादलों चांद तारों के देखने एन को कैसा महसूस करवाती थी, ए बी या सी देख लीजिए। अगला अज्ञातवास के दौरान यहूदी परिवार के लोग किस बात से भयभीत रहते थे,
क्या सेंध मार करने समय क्या तोड़ दिया था? ब्रिटेन को कौन कायर कहता था? गोल्ड स्मिथ जो थी उनकी क्या भूमिका थी कहानी में? गलत कथन का चुनाव करना है। मीएब की पापा की कंपनी कब से काम कर रही थी? मीएब जो थी वह पापा के कंपनी की, जो आपके एन फ्रेंक थे उनके पापा की कंपनी में कब से काम कर रही थी? थाईलैंड की मुद्रा क्या थी बताइए, क्या है? किस वर्ष अज्ञातवास पर गया था आपका एन फ्रेंक का परिवार? किसके हाथों जर्मनी की हार हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में? ए बी सी और डी है यहाँ। अगला है देखिए, आपका फैन एन फ्रेंक जो थे वो रेडियो में कौन सा प्रोग्राम हमेशा सुना करती थी? अगला है देख लीजिए आंसर क्या होगा। अगला है देख लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर दिया हुआ है, ये देखिए आपका जो है क्या होगा। ठीक है क्वेश्चन देख लीजिए, कहानी में एन फ्रैंक ने चौथा पद किस बात की चर्चा की? अगला है हिटलर की खुफिया पुलिस का क्या नाम से जाना जाता था? आंसर दिया है गोटास, गोस्टापो के नाम से। अगला का भी आंसर दिया हुआ है एन के पिता। अगला देखिए क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार निम्नलिखित में से एन फ्रैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य चुनना है? ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। अगला जो है यह आपका आनंद यादव द्वारा जो रचित आपका है जूझ, उस कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, मराठी के विख्यात कथाकार एवं उपन्यास लेखक डॉक्टर आनंद यादव का जन्म कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में कब हुआ था? निधन कब हुआ पूछा है आनंद यादव जी का। ये झोबी है लिखा हुआ, JHOBI झोबी। किस वर्ष के जीवन संघर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है कहानी जूझ में? मैं सिर्फ स्लाइड कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ चार ऑप्शन है। अगला देख लीजिए, इसमें भी चार ऑप्शन है, अपनी माँ से, अपने पिता से, राव जी से, अपने भाई से। ये पढ़ लीजिए आपका क्या दिया है। कथन सही कथन चुनना है आपको इनमें से। मुझे उम्मीद है यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों कुछ वर्ड में आपका टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया होगा तो क्षमा कीजिएगा।
आनंद रतन यादव के दादा को किसने लेखक को पाठशाला जाने की देने के बाद तर्क के राजी किया था? देख लीजिए अगला है। पहले दिन कौन से मास्टर जी आए थे? मंत्री मास्टर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? कैसे नाच नाचते थे लेखक बचपन में कविता लिखते समय? क्लास टीचर का क्या नाम था? अगला देख लीजिए। सरकार शब्द का काफी बार यूज किया, किसके लिए यूज किया गया सरकार शब्द जूझ कहानी में? ये अगला क्वेश्चन है। लेखक जब पहली बार पाठशाला पहुंचा तो शरारी बच्चे ने क्या कहकर बुलाया था शरारती बच्चे ने? अगला ये है। अगला देख लीजिए। ये अगला है। ठीक है, नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट। दोस्तों मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा आप लोगों को हमारी टेलीग्राम नेटवर्क पे। आप चिंता ना कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम नेटवर्क का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर ये मैं चारों चैप्टर का PDF मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए। आनंद रतन यादव इस संबंध में से कौन सा कथन साहित्य है उनके बारे में? आनंद रतन यादव के बारे में जो लेखक हैं आपका इस कहानी का जूझ का, अगला है देख लीजिए। ये रहा नेक्स्ट। ये है अगला। एक देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, और ये जो है आखिरी है। तो दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ आप दोस्तों लाइक करना ना भूलें। आप लोगों को लाइक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।